नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी, आप देख रहे हैं अड़ी। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश यानी पूरे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर्स का रुख हो जाएगा गोरखपुर की तरफ। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, और उन्होंने ये कह के खलबली मचा दी और बुलडोजर के इस्तेमाल पर बहस एक बार फिर से शुरू कर दी। ये सीधी चुनौती अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी को दे दी। उन्होंने ये आरोप भी दोहराया कि कमजोर लोगों को निशाना बनाने के लिए बार बार बुलडोजर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है और अब नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लिए बुलडोजर न्याय का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। उनका यह भी कहना था कि बुलडोजर के पास दिमाग तो नहीं होता, हाँ स्टीयरिंग व्हील होती है और किसी दिन जनता इस स्टीयरिंग व्हील को ही घुमा देगी। आखिर में उन्होंने कहा कि बुलडोजर के गलत इस्तेमाल के लिए अब बीजेपी को और उत्तर प्रदेश की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि निजी लाभ के लिए योगी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल करती है, उसके पास दिमाग भी नहीं होता। बस फिर जवाब उस तरफ से आया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने तंज करते हुए कहा कि सिर्फ वही लोग बुलडोजर के खिलाफ हैं जो कि अपराधियों के साथ हैं, उनको बुलडोजर से डर लगता है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है, उसमें स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दे? आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों में 10 जो सीटें हैं असेंबली की, उसके लिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है। पर बात सिर्फ उपचुनाव को लेकर ही नहीं है, ना सिर्फ बुलडोजर को लेकर के घमासान जारी है बल्कि कानून व्यवस्था पर भी योगी और अखिलेश ने एक दूसरे को घेरा। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम यह है कि हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। आपको याद होगा कि शुरू में बुलडोजर एक्शन जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, फिर बाकी राज्यों ने भी वही कार्रवाई शुरू कर दी। इस एक्शन की वाहवाही जरूर हुई, लेकिन बुलडोजर एक्शन अब गंभीर सवालों के घेरे में है। 2 सितंबर को जमियत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि किसी आरोपी या दोषी पर बुलडोजर कार्रवाई गलत है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पर यूपी सरकार ने भी यह साफ किया कि जितनी भी कार्रवाई हुई थी वो न्याय संगत तरीके से की गई है, कानूनी प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हुआ है। इस पूरे बुलडोजर घमासान पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बुलडोजर की रफ्तार बढ़ाई जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी उल्टा हमलावर है। जब से प्रदेश में यूजी की सरकार आई है, चाहे उन्होंने पुलिस का सहारा लिया, चाहे बुलडोजर का सहारा लिया, एक मिसाल बने हैं सारे देश में। इस बुलडोजर ने एक भी गरीब को नुकसान नहीं पहुंचाया, वंचित को नहीं पहुंचाया, माफियों को। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा योगी जी का, और निवेदन कहूंगा बुलडोजर ऐसे ही चलता रहना चाहिए, रफ्तार बढ़ा दी।
इस देश का उच्चतम न्यायालय आपको तीखी टिप्पणी नहीं, आपको आईना दिखा रहा है आपके बुलडोजर की कार्रवाई पर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दबंगई करके बोल रहे हैं इसके लिए जिगर नहीं चाहिए। जी नहीं, बुलडोजर चलाने का काम कायर करते हैं। बुलडोजर क्योंकि प्रतीक है आपकी ध्वस्त कानून व्यवस्था का, आपकी न्यायपालिका पर ताला लगने का। बाबा जी का बुलडोजर तो एक वर्ग विशेष के ही खिलाफ चलता है। बाबा जी का बुलडोजर एक जगह है और उनकी जो चीप कॉपी कुछ बीजेपी के मुख्यमंत्री बनके करते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया। अभी जो बुलडोजर के ऊपर न्यायपालिका का बुलडोजर चला है उसको आप किस रूप में देखते हैं? अपराध के लिए धाराएं बनी हुई हैं, धाराओं के अनुसार आपको काम करना है। ये लोकतंत्र है भाई, बुलडोजर तंत्र थोड़ी है कि आप सबके घरों पे बुलडोजर चलाते जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है, क्योंकि ये लोग नफरती लोग हैं, इनके मन में कण कण में नफरत भरी हुई है भाजपाइयों के। तो अड़ी में सीधा सवाल आज के हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद बुलडोजर पर बेधड़क राजनीति क्यों जारी है? क्या बुलडोजर अब वोट बैंक का हथियार बन गए हैं? सुशासन या बदला, बुलडोजर एक्शन को क्या माना जाए? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं के शर्मा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, करण वर्मा लेखक हैं और स्वाति सिंह मलिक प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। के शर्मा जी सावधान हो जाइए, अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि 2027 में बुलडोजर सीधा गोरखपुर पहुंचने वाला है। और उल्टा मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने आज क्या बोला। उन्होंने कहा 2027 छोड़िए, आज के वक्त तो सरकार विपक्ष चला रहा है। पूरा चैलेंज दे दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, यह बोला है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष चला रहा है, ऐसा ना हो कि 2024 में ही बुलडोजर आपके घर पहुंच जाए। ऐसा है पद्मा जी, मैं राहुल गांधी के बयान पे तो हंसी सकता हूं, क्योंकि वो बेचारे जो है 10 साल से, पिछले 20 साल से लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारे लॉन्च हो नहीं पाए। और रही बात कि वो कोशिश पिछले 10-11 साल से कर रहे हैं कि सत्ता में पुनः वापसी हो जाए, तो भी वापसी नहीं हुई। तो बेचारे बीच में विपक्ष में ही बैठ के सोच रहे हैं कि सत्ता चला रहे हैं। ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है, गुजरात में भी आपको याद होगा, हार हो गई फिर भी जो है मिठाई बांटा, ढोल बजाया। ये जवाब दे दीजिए, वो तो आपसे ज्यादा सीटें लाए हैं यूपी में। अखिलेश कह रहे हैं कि आप बुलडोजर भेजेंगे सीधे गोरखपुर। नहीं, उनको बिल्कुल सही है, इससे तो अखिलेश यादव की मानसिकता समझ में आती है ना, कि 80 जिलों में उनको गोरखपुर क्यों याद आया? क्योंकि गोरखपुर में वो क्या तोड़ेंगे बुलडोजर भेज के? वहाँ के कलेक्ट्रेट को तोड़ेंगे, रेलवे स्टेशन तोड़ेंगे कि शौचालय तोड़ेंगे, या वहाँ जो है गोरक्षनाथ मंदिर को तोड़ेंगे? क्योंकि उनका निशाना तो, क्योंकि वहाँ पर योगी जी का क्या है, महंत है गोरक्षनाथ मंदिर के, और वो उन्हीं को कह रहे, तो इशारा तो उनको गोरक्षनाथ मंदिर को तोड़ने का है ना। जैसे अयोध्या में जो है निहत्थे जो है कार सेवकों पर गोली चलाई इनके पिता मुलायम सिंह ने, और आज तक उस पे जो है अखिलेश यादव गौरव करते हैं कि हमने मरवाया, तो उसी तरह से वो गोरखनाथ मंदिर को ही तो तोड़ेंगे और क्या होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य, पता नहीं कहाँ के कौन सी, मैंने तो सुना है ऑस्ट्रेलिया से बड़ी इंजीनियरिंग पढ़ाई करके आए, लेकिन वो कह रहे थे कि बुलडोजर का दिल और दिमाग नहीं होता। अरे बिल्कुल नहीं होता बुलडोजर का, लेकिन बुलडोजर चलाने वाले का दिल और दिमाग होता है, बुलडोजर अपने आप नहीं चलता। अखिलेश जी पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग की डिग्री है, कम कम बोलते समय इतनी तो समझ होती। अच्छा, तो एक हिंदू विरोधी एंगल, एक सेकंड, के शर्मा जी ने हिंदू विरोधी एंगल लिया है यहाँ पे अजीज खान जी, वो कह रहे हैं कि आप सीधे गोरखनाथ मठ का टारगेट करने का बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप बुलडोजर में विश्वास नहीं रखते, दूसरा बुलडोजर की ही धमकी दे रहे हैं कि हम उसका इस्तेमाल 2027 में कर लेंगे। तो आपको बुलडोजर से प्रेम है या उससे घृणा है, ये फैसला पहले कर लीजिए। देखिए पद्मजा जी, एक बात आप समझ लो कि अभी के शर्मा को मैं सुन रहा था कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक दायरा है वो यही सब है, इनकी विचारधारा, इनको तोड़ो उनको जोड़ो, मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट है कि अभी रिसेंट जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब हुई। लोकसभा किस तरह उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को लड़ा जा रहा था, बहुत खराब स्थिति पैदा हुई। उपचुनाव आ रहा है, उसमें भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। उधर दिल्ली से अलग बड़ी परिस्थितियां खराब है, दिल्ली वाले अलग परेशान कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं तमाम परिवेश को देख करके, इन तमाम विषम परिस्थितियों को देख करके कहीं ना कहीं योगी जी तमाम अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से काटो बांटो पता नहीं क्या क्या, तो 2027 में आप कह रहे हैं कि बुलडोजर भेज देंगे गोरखपुर पर, आप तो बुलडोजर का पहले से ही विरोध कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे बुलडोजर पर ब्रेक लगा देंगे, ना कि बुलडोजर को गोरखपुर भेज देंगे। आप सुन ले मुझे सुन ले, आवाज आपकी नहीं आ रही है, आवाज आपकी आ नहीं रही है, ठीक है हम उसको ठीक करते हैं। नहीं पर मेरा सवाल अलग था, मेरा सवाल ये था आपको घोषणा करनी चाहिए कि हम बुलडोजर को ब्रेक लगा देंगे, बुलडोजर सारे गराज में चले जाएंगे, उनको जंग लगने दो। उल्टा आप कह रहे हैं कि बेटा सत्ता पलटेगी ना तो यही बुलडोजर का रुख हम तुम्हारी तरफ कर देंगे। आप तो उल्टी बात बोल रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं हम बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैडम मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बहुत सीधी सी बात है, ये मुल्क जो है ना, ये मुल्क रूल ऑफ लॉ से चलता है, रूल ऑफ बुलडोजर से नहीं चलेगा, और ना चलेगा ना चलता है। सवाल इस बात का कि जिस कल्चर को जन्म दिया गया, ये इससे ज्यादा खराब कल्चर अब आने वाले वक्त में भविष्य में ना आएगा और ना इतिहास में कभी रहा है, इस बात को आप जान लो। क्यों? क्योंकि जिस तरह न्याय प्रणाली पर इससे पहले पिछले कई सालों में जो 7-8 साल का वक्त बीता है उस पर बुलडोजर चला है, कोई भी सरकार हो क्या वो न्याय प्रणाली को छोड़ करके बुलडोजर चलाएगी? हकीकत ये है बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। मुझे जवाब देने दीजिए। लेकिन मान लीजिए योगी जी के लिए हो सकता वो आइडियल हो, बीजेपी के लोगों के लिए हो सकता आइडियल। एक तरीके से वो याद दिला रहे थे कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जिस तरीके से आप इस्तेमाल आज कर रहे हैं कल को हवा का रुख बदलेगा और बुलडोजर की दिशा भी बदल जाएगी, ये कहने का एक तरीका था। नहीं नहीं आप ये कहते ना कि हवा की दिशा यानी दिशा बदल जाएगी, आप तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम गोरखपुर में चलाएंगे, जिससे अजीत जी भाग रहे हैं यहां से, अपने ही जो है नेता के बयान को कंडेम कर रहे हैं बैठ के यहां पर। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, आपने तो बयान चलाया पद्मजा जी, वो कह सकते थे हम बस्ती में चलाएंगे, गोंडा में चलाएंगे, अरे और तो छोड़िए खुद कन्नौज में चलाएंगे, जहां एक भेड़िया इनके बगल में जो है बलात्कारी जिसका बचाव कर रहे थे, डीएनए का टेस्ट मांग रहे थे, उस पे चला देंगे। तो आप तो गोरखपुर सीधा क्यों चले गए भाई? आपके गोरखपुर कैसे पहुंच गया? तो इसका मतलब आपकी मानसिकता बिल्कुल तय है ना। और मैंने तो पूछा गोरखपुर में कहां चलाओगे, चलिए कहां चलाएंगे, सीधा सवाल। एक बात मैं क्योंकि आपका डिबेट आप खोल रही है इसलिए मैं 2-3 बात कह दे रहा हूं शुरू में। देखिए जो बुलडोजर का जो बयान आया है अखिलेश यादव का, उसका प्रमोद तिवारी जी ने विरोध किया है, कांग्रेस ने विरोध किया है बकायदा, ये कहते हुए कि हम अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत नहीं है, ये स्टेटमेंट है उनका बकायदा, कांग्रेस ने कहा है कि हम इससे सहमत नहीं है अखिलेश यादव के बयान से। लेकिन अभी मैं सुप्रीम एक इनके कांग्रेस की प्रवक्ता का भी सुन रहा था, जिनको जो लोग बुलडोजर चलाते हैं वो कायर होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ पद्मजा जी, शायद यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इस देश में पहली बार बुलडोजर कब चला? इमरजेंसी के समय में दिल्ली में चला, तुर्कमान गेट में, और किसके इशारे पर चला? इंदिरा गांधी के इशारे पर। तो इंदिरा गांधी कायर थी। जब कंगना रनावत के जो घर पे जो बुलडोजर चला वो किसके इशारे पर चला? उद्धव ठाकरे के, जिसमें कांग्रेस भी साथ थी। मैं पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे कायर हैं? जब गहलोत जी ने राजस्थान में बुलडोजर चलाया तो क्या गहलोत जी जो वहां बुलडोजर चलाए वो क्या कायर हैं? क्या कहना चाहती है कांग्रेस? मैडम मुझे मौका, कांग्रेस की स्पष्टता चाहिए। प्रमोद तिवारी विरोध कर रहे हैं, एक इनकी आम नेता समर्थन कर रही है। इससे पहले अजीज खान को तो आपके सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर स्वाति मलिक के पास में जाऊंगी। जरूर पूछ लीजिए कि गोरखपुर क्यों याद आया। बहुत बहुत हाँ, ये सवाल बार बार के शर्मा पूछ रहे हैं कि गोरखपुर में क्या तोड़ेंगे आप, किस पे चलाएंगे बुलडोजर? देखिए मैडम एक बात जान लो, जैसे को तैसा ये रीति चली आई है, ये दुनिया की रीति है, परंपरा है, जैसे को तैसा। वो हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि जैसे को तैसा मिलेगा, लेकिन एक बात आप जानिए, नहीं तो जैसे को तैसा में क्या देंगे ये तो बताइए ना, सुनिए ना, जैसे को तैसा तो भाई आप योगी जी के ऊपर चला, सुनिए ना, योगी जी गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, अरे सुनिए ना, आप फिर मंदिर मस्जिद गए हो कि आप गोरखनाथ मंदिर बाहर निकल ही नहीं सकते, मंदिर जैसे को तैसा मंदिर मस्जिद की राजनीति में गोल गोल बातें मत करो जी भाई,
योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के बात है। हर समाज का व्यक्ति बहुत पीड़ित है। आप फंस गए हो। अजीज खान जी, जैसे कुछ ऐसा तो ठीक है, पर जगह क्या है? क्योंकि आपने कुछ सोचा होगा ना, बुलडोजर जाने से पहले कोई एक जगह आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सर्वे करेंगे, कुछ आपके दिमाग में होगा कि इस जगह में अतिक्रमण है, यहाँ पे रेलवे की पटरी के पास लोगों ने कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, उसको तोड़ेंगे, कलेक्टरेट को तोड़ेंगे, कोई कॉलोनी गलत तरीके से बनी है, गोरखपुर गोरखपुर ही क्यों, गोरखपुर में क्या? देखिए मैडम, मैं कह रहा हूं स्पष्ट, यही मैंने किया कि जैसे को तैसा। तो ये तो बताओ, जैसे को तैसा क्या है? जो आप बॉय कर रहे काटा है अजीत भाई, इतने तो समझदार नहीं। बात हमारे नेता ने कहा कि आप काटा बो रहे, तो क्या आप फूल की उम्मीद लगा रहे? भाई काटा बो रहे तो आप क्या कर रहे? गोरखनाथ मंदिर उड़ाओगे? एक बात सुनिए ना, एक बार सुनिए, ठीक उनको एक बार सुन लो अजीत भाई, कान खोल के सुन लो। यदि गोरखनाथ मंदिर का एक इंच भी अखिलेश यादव ने सोच लिया, सोच भी लिया गोरखनाथ मंदिर के संदर्भ में, वाकई में दुखद है, तो परिणाम सोचना भी पड़ेगा आप लोगों को। और उसके बाद आप कह रहे साहब, याद रखिएगा, ठीक है, एक एक करके उनको याद रखिएगा, गोरखनाथ मंदिर पर अभी बुरी नजर डाला आप लोगों ने। तो अजीज अखिलेश यादव, इस बात को कान खोल के समझ लें, यदि गोरखनाथ मंदिर के एक ईंट को भी सोच लिया। मैंने कहा मंदिर मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते, आप जवाब नहीं दे पा रहे कि जनता, जवाब नहीं दे पा रहे आप, नेता का चलाएगी जनता, आपके नेता का जवाब नहीं दे पा रहे, बुलडोजर चलाने जा रही है सारा गोरखनाथ मंदिर है, बुलडोजर चलाने जा रही है गोरखनाथ मंदिर है, वो बुलडोजर चलाने जा रही है, ठीक है, उसी पर आपका इशारा है। और किसको मारोगे आप गोरखनाथ गोरखपुर में? जनता का बुलडोजर चलेगा आपकी सत्ता, क्या जनता का बुलडोजर इधर उधर भाग रहे हो? ठीक है, जनता का बुलडोजर चलेगा, एक सैद्धांतिक रूप से वो कह रहे हैं कि जनता एक बुलडोजर चला देगी आपकी सत्ता के ऊपर, उसका गोरखपुर बयान नहीं है, माफ कीजिएगा ये बयान नहीं है, जो बयान है उस बयान की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं अजीज खान अब ये कह रहे हैं, अब वो जनता पे कह रहे हैं कि बुलडोजर की स्टीयरिंग जो है जनता के हाथ में, फंस गए हो अपने नेता के बयान पर, ठीक है, जवाब नहीं है उनके पास। स्वाति सिंह मलिक, क्योंकि उनका इशारा सीधे सीधे तुष्टिकरण का है, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू मंदिर की तरफ इशारा कर रहे हो, ठीक है। स्वाति सिंह मलिक, के शर्मा ने चार अलग अलग उदाहरण दिए, उन्होंने कहा कि तुर्कमान गेट से लेकर के कंगना के घर से लेकर के, कंगना राउत के घर से लेकर के, और अशोक गहलोत जी जो कि पेपर लीक के अक्यूज थे, उनके घर के ऊपर, उनके एकेडमी के ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो बुलडोजर का इस्तेमाल क्या राजनीतिक फायदे के लिए होना चाहिए? नहीं, ये तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नहीं होना चाहिए, पर सच बात तो ये है करती तो कांग्रेस भी है। और सबसे ताजा उदाहरण, चार उदाहरण दिए के शर्मा ने, एक तेलंगाना से भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, जो वहां भारतीय राष्ट्र समिति है, बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, उसके जो नेता केटीआर है, उन्होंने क्या कहा अभी हाल फिलहाल में, वहां पर भी काफी अतिक्रमण हो रहा है हैदराबाद में, उसके ऊपर आपकी सरकार बुलडोजर चला रही है। केटीआर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में जो हो रहा है वो न्याय संगत नहीं है, वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, महबूब नगर में 75 घरों को, और ये गरीब लोग के घर हैं, उनको तोड़ दिया गया, सुबह 3 बजे उनको नोटिस तक नहीं दिया गया और उनके घर को ध्वस्त कर दिया गया, उनमें से कुछ लोग तो विकलांग थे। तो जब आप सत्ता में होते हैं, बुलडोजर हर किसी को याद आ जाता है, तुर्कमान गेट से लेकर के महबूब नगर तक। स्वाति मलिक, पद्मा जी थैंक यू, आपने बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट सारे रेज किए, और मेरे को लगता है कि आपके व्यूअर्स भी ये सोचते होंगे, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने जिस तरीके से ये बात बोली, और ये एक भ्रम जो ये बना देते हैं, और ये जितने मिस इन्फॉर्मेशन जितनी फैलाते हैं, उस हिसाब से इन्होंने जो इनको नैरेटिव बनाया कि जी कांग्रेस ने भी ये किया है, इमरजेंसी में जब कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने उस इमरजेंसी का भुगतान किया, उसको कोई वैलिडेशन या उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा जनता का कि हाँ सही किया, उसका हम भुगतान भर रहे हैं और आज तक इमरजेंसी का भुगतान भर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला राजस्थान का, क्या राजस्थान में जो बुलडोजर चले थे वो इसलिए चले थे कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी, या कुछ लोगों ने, कुछ दंगादार थे जिनको, जो सिर्फ अक्यूज थे उन लोगों पे चलाया? नहीं, वो उन पे चलाया जो वहां पे इलीगली बैठे हुए थे, जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाता, किसी को सजा, किसी सरकार के खिलाफ बोलने की सजा के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाता। तीसरा, इन्होंने अभी बोला और शुरू में बड़ा खुश होकर बोले कि राहुल गांधी के बयान पे तो हंसे हैं, क्योंकि वो 10 साल से बेचारे कोशिश कर रहे हैं,
इनके हंसते हंसते ही तो इनकी 60 से ऊपर इस बार सीट कम हो गई। कहां ये 350 के आस में बैठे थे, कहां पिछली बार 303 से 240 पे इसीलिए तो अटक गए क्योंकि बेचारे राहुल गांधी जी पे हंसते ही रहे, इसीलिए तो इन्हें इतना गिरावट आ। और अब जनता भी देख रही है, वो देख रही है कौन यहाँ पे ठीक बोल रहा है, कौन यहाँ पे सिर्फ एक दम फैला रहा है। और जैसे अभी इन्होंने फिर से बोला कि गोरखपुर में हम जो उनका बयान आया है अखिलेश जी का, कि वो उन्होंने बोला कि वो मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे, क्या अखिलेश जी ने ये बोला है कि वो मंदिर पे चलाएंगे? नहीं। और मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, और दो उनके प्रवक्ता बैठे हुए, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ही एक चीज है जो बीजेपी बार बार, और अब से नहीं बहुत जब से शुरू हुई है, बल्कि जब से शुरू हुई है तब से वो बहलाते ही हैं। हम किसी ने नहीं बोला मंदिर, किसी ने नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर चढ़ जाएगा। अरे आपके सीएम है गोरखपुर से, तो उनके जो वोट बैंक है वो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। एनीवेज वो उनके प्रवक्ता बोलेंगे, लेकिन मेरा कहना सिर्फ अभी ये है कि जो हमने बुलडोजर चलाया, जो आप सरकार की बातें कर रही है, अभी आपने तेलंगाना का भी बोला, उसमें आपने यही बताया कि बिना नोटिस डिमोलिश किया गया, बिना नोटिस वहां पे बुलडोजर चलाया गया। लेकिन वो क्या किसी ने ये भी बोला है कि वो क्योंकि कोई दंगे ही थे या वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे? गरीब के खिलाफ तो एक्शन हो रहा है ना? गरीब के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बिना नोटिस दिए, बिना कानून का पालन किए आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। यहाँ पर ऐसा किया गया, वो दंगाई नहीं थे, वो पत्थरबाज नहीं थे, पर पूरे न्याय के हिसाब से नहीं किया गया। के शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आप बदले की भावना से बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मुख्यमंत्री उसके बावजूद कहें कि बुलडोजर तो चलता रहेगा, बुलडोजर चलवाने के लिए जिगरा चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा एक मखौल तोड़ाएगा ना ये बोलना? जिगरा शब्द थोड़ा सा पद्मा जी करेक्ट कर दूं, जिगरा शब्द नहीं है, उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। और जो वहां पर वकील जो सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने स्पष्ट भी बताया कि 7 साल में जो भी कार्रवाई हुई है वो सब अवैध निर्माण के ऊपर हुआ है या कब्जे पर हुआ है। लेकिन मुझे आश्चर्य, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने शायद बयान ही नहीं सुना। और इनके नेता ने अभी जो बयान दिया वो ये कहा कि बुलडोजर चलाने वाले कायर होते हैं, ये नहीं कहा कि अवैध पे चलाया कि वैध पे चलाया। प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कायर थी क्या? दूसरा प्रश्न है गहलोत कायर है क्या? उद्धव ठाकरे कायर है क्या? बीच में नहीं, मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूं। तीसरी बात इन्होंने कहा, अतीक अहमद जैसे माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति गरीबों की कब्जा में की, अपने कब्जे में ले लिया अतिक्रमण करके, जिनके साथ मुलायम सिंह जिनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाते थे, जिनके कब्र में जाके अखिलेश यादव फातिया पढ़ते हैं और कहते हैं प्रतिष्ठित परिवार से ये लोग आते हैं, ये उनके जमीन कब्जे, उनसे छुड़ाए गए जमीन है जिसमें योगी जी ने बोला, योगी जी ने बोला बुलडोजर के सत्ता, बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बुलडोजर का इस्तेमाल बेजा तरीके से नहीं होना चाहिए, उसको इस तरीके से बुलडोजर को हीरो बना देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही जाता है ना। नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए पद्मा जी, अभी केवल उसमें ऑब्जर्वेशन है, अभी मामला उसमें है, अभी यूपी सरकार के भी वो आएंगे, उसमें रूल रेगुलेशन बनने, अभी पूरा फैसला आया नहीं है उस पर, इसलिए मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता। और ठीक ही कहा है उन्होंने कि दिल और दिमाग दोनों चाहिए, तभी मैंने कहा जो ये कह रहे थे कि बुलडोजर का दिल दिमाग नहीं होता, मैंने कहा ये पता नहीं कौन सी पार्टी चलाने वाले का होता। लेकिन अभी मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ, देखिए मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, मैं अब दूसरी बात कह रहा हूँ, जो कांग्रेस की प्रवक्ता को कम से कम अपने जो है प्रमोद तिवारी जी का ही तो बयान ध्यान में रख लेना चाहिए। प्रमोद तिवारी जी के बयान को जो है आप जो है उनकी प्रवक्ता काट रही है, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का बयान सही नहीं है, हम इसमें से अपने आप को अलग करते हैं, ये तो बयान प्रमोद तिवारी का। स्वाति जवाब दीजिए फिर करण वर्मा, दूसरी बात तो नहीं समझ पा रहे। स्वाति जी जवाब दीजिए, अभी हम बार बार पूछ रहे हैं कि गोरखपुर में आप किसको अटैक करेंगे, आपके मुंह से गोरखपुर शब्द क्यों? आप कह सकते थे हम 80 के 80 जिलों में घुमा देंगे, आप ये कह सकते थे कि हम जो है लखनऊ से चालू कर देंगे, आपको स्पेसिफिक गोरखपुर और गोरखपुर से अभी ये कह रही थी कि क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से आते हैं। अरे भाई मुख्यमंत्री वहां से आते तो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं और कुछ थोड़ा उनका, ठीक है, पर के शर्मा जी आप एक चीज और पूछनी पड़ेगी, तो गोरखनाथ मंदिर पे तो चलाओगे और किस पे चलाओगे? एक चीज और मुझे, कांग्रेस भी समर्थन में खड़ी है क्या इनके प्रवक्ता के अनुसार, जबकि प्रमोद तिवारी हट रहे हैं? ठीक है, प्रमोद तिवारी पे आप बोलना चाहेंगे स्वाति, फिर मेरे को करण वर्मा के पास जाना है।
जी, कल्पना देखिए, जो प्रमोद तिवारी जी ने बोला, कांग्रेस भी उससे, हम वो ही बोल रहे हैं, हमने कभी भी बुलडोजर का सपोर्ट नहीं किया। पर मैम, अशोक गहलोत जी ने जो पेपर लीक माफिया था उसके खिलाफ बुलडोजर ही इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं था कि उनके खिलाफ कोई कोर्ट का आदेश आया कि इनका जो है अतिक्रमण है, इनको हटा दीजिए। पेपर लीक हुआ, फट से उन्होंने गिरा दिया। नोटिस जा चुके थे पद्मा जी, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है कि हम भी नोटिस दे रहे हैं। नहीं, कहां दे रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं हम तो वैसे ही। उन्होंने कोर्ट के सामने अभी कहा, कोर्ट के सामने उन्होंने हलफनामा डाल करके कम से कम कहा तो यही है, अब कोर्ट उस पर आगे क्या फैसला लेता है ये अलग बात है। जी जी, वो पूरा जब उसमें समझाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे इनको आज फटकार, और सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार शाबाशी में बदल सकती है, क्या बोल रहे हैं? नहीं, पहले तो ये बताइए ना, सुप्रिया सुनेत का बयान जो है, कायर कौन कौन है आपके यहाँ ये बताइए? कायर आपके यहाँ है सर? अरे आपकी नेता कह रही है चलाने वाला कायर है, इंदिरा गांधी कायर है, अगर कोई भी करे और कानून के परे जाकर के करे तो उसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। पर करण वर्मा, जहां तक राजनीति का सवाल है, लोगों के दिमाग में शक तो जरूर पैदा होगा, क्यों? अब मैं लखनऊ का आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। लखनऊ में 2 महीने पहले कुकरेल के आसपास जो पूरा इलाका था, ये कहा गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यहाँ पर सारा अतिक्रमण किया हुआ है, ये फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने घर बनाए हम सब गिरा देंगे। क्या हुआ? अकबरनगर नाम की एक जगह थी, अकबरनगर में 1800 स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए, 1800 ड्रोन कैमरे से उसकी फिल्म भी बनाई गई। उसके कुछ ही दिन बाद जो बाकी कॉलोनी थी, बाकी कॉलोनी का नाम क्या है, बाकी कॉलोनी का नाम जो था, वहां के लोग जो कि ज्यादातर हिंदू बाहुल इलाके थे, वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, बुलडोजर रुक गया। तो अगर अकबरनगर पर चल सकता है बुलडोजर, तो बाकी जगहों को माफ क्यों कर दिया गया? ये तो राजनीति लग रही है ना पद्मजा जी। मैं इस इंस्टेंस के बारे में तो ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बता सकता, पर जहां तक मुझे इस इंस्टेंस का ध्यान है, इसमें सेक्शन 27 लगाया गया था यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का, उसके तहत कुकरेल के आसपास का एरिया, बिल्कुल सही, को तो अकबरनगर में हटा दिया। बाकी दो इलाके थे पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर। इस बीच में क्या हुआ, और यहीं पर राजनीतिक एंगल आता है, इस बीच में संजय निषाद, उन्होंने एक बाइट दे दी, उन्होंने कहा कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर ये चुनावी नुकसान होगा, चुनाव में हम इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। खट से बुलडोजर रुक गए, इंद्रप्रस्थ नगर में नहीं चले। क्यों भाई? अगर वो कानून तोड़ रहे हैं, सबको खत्म कर दीजिए, इंद्रप्रस्थ नगर हो या रामनगर हो या रहीमनगर हो या अकबरनगर हो। नहीं तो हमेशा बुलडोजर सब पे चला है जिसने भी कोई अवैध कार्य किया। और मुझे जरा समझाने दीजिए पद्मजा जी, मेरे पास आप अंत में आइए, जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं जरा, अजीज साहब ने भी एक बात कही, स्वाति जी ने भी एक बात कही कि रूल ऑफ लॉ चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। हमें जरा समझना चाहिए ये बुलडोजर आखिर आया कहां से। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जितनी हड़ताल हो रही थी, स्ट्राइक्स हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रही थी, और उन्होंने 2 कमेटियों का संगठन बनाया, एक थी एडवोकेट फाली नारिमन के अंडर और एक थी जस्टिस थॉमस के अंदर। और उन रिपोर्ट्स की जो रिकमेंडेशन आई, उसमें सबसे मुख्य बात यह आई कि कॉम्पनसेशन ऑफ डैमेजेस होना चाहिए। और 16 अप्रैल 2009 को एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, केस है डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये साफ बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि एक कानून पास किया जाए ताकि कॉम्पनसेशन हो सके डैमेजेस का जो पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का करते हैं। मुझे आज गर्व होता है कि योगी आदित्यनाथ, वो पहले मुख्यमंत्री थे 2009 की ये बात आई हुई, जिन्होंने 2020 में ये कानून पास किया। और ना केवल ये कानून पद्मजा जी, सीआरपीसी का सेक्शन 82 और 83 भी इजाजत देता है यूपी सरकार को और किसी भी सरकार को कि अगर कोई अब्सकॉन्डिंग है उसकी प्रॉपर्टी अटैच किया जा सके। गैंगस्टर एक्ट का सेक्शन 14 और गैंगस्टर एक्ट 1986 में पास थे, उसका सेक्शन 14 भी आपको इस बात की इजाजत देता है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 27 भी इस बात की इजाजत देता है। आपको मैं बता दूं, एक भी केस जहां योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया वो आज तक चैलेंज होकर कभी नहीं प्रूव हो सका कि वो इलीगल काम हुआ या सरकार गलत साबित हुई। तो इसलिए ये कानून देना है, कि रूल ऑफ लॉ के कानून है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर लोगों के दिमाग में शक कब पैदा होता है करण वर्मा? जब कोई क्राइम हो जाता है और अचानक हमें पता चलता है कि उसका घर अनाधिकृत है, कोई पत्थर मारता है, वो कहते हैं अरे इसके घर ने एक्सटेंशन कर रखा है, तोड़ो। जैसे कि राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में एक मुसलमान लड़के ने स्कूल में जाके अपने सहपाठी को छुरा मार दिया, जिस घर में वो रेंट पे रहता था, उसका घर भी नहीं था, वो घर तोड़ दिया। ये तो गैर कानूनी है ना, कानून सही है।
पर उसका पालन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं पद्मजा जी, इसमें सीआरपीसी सेक्शन 82 लगा। अगर कोई अब्सकॉन्डिंग है जिसको गिरफ्तार करना था या जो कि पाया गया पत्थरबाजी में, उसका वो था ही नहीं होता है, तो सरकार के पास ये हक है कि वो उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा कर सके। पर वो प्रॉपर्टी उसकी थी ही नहीं सर, राजस्थान में तो वो भाड़े पे रह रहे थे, पूरा का पूरा परिवार भाड़े पे रह रहा था, घर उसका था ही नहीं। ये मैम इलीगल इंक्रोचमेंट का केस नहीं है, अब्सकॉन्डिंग के केस में आ जाता है गैंगस्टर एक्ट और सीआरपीसी सेक्शन 82 में। कुछ में इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, जिसमें कि प्रयागराज में जब 100 प्रॉपर्टीज हटाई गई थी 2020 में, और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हवाला भी दिया था। और जो लोग ये बात कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम का, मैं सपा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा आपको। मुझे आज भी याद है 3 साल पहले जब राकेश यादव नाम के एक गैंगस्टर की गोरखपुर में प्रॉपर्टी जब्त करी गई थी, इन्होंने कहा था ये यादव समुदाय के खिलाफ है। उसके बाद जब विकास दुबे की करी गई तो ये कहते हैं ब्राह्मण के खिलाफ है। उसके बाद अतीक अहमद की करी गई तो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये सपा को देखना है कौन राजनीति कर रहा है यहाँ पर। 3,800 करोड़ की संपत्ति जो राजनीतिक चश्मे से आप देख रहे हैं, करण वर्मा का कहना है हम तो सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं, और कानून है। अजीज खान साहब आवाज आ रही है आपको? नहीं, वो फ्रीज हो गए। अच्छा, स्वाति सिंह मलिक कानून है उसको राजनीतिक चश्मे से आप देख रहे हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि सारी बुलडोजर कार्रवाई अवैध है। उन्होंने क्या कहा कि प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जस्टिस गवई ने तो ये भी कहा कि अदालत किसी भी अनाधिकृत निर्माण की रक्षा नहीं करेगी। सार्वजनिक सड़क पर चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो, उस पर बुलडोजर चल सकता है, बस कानून का पालन कीजिए। तो बुलडोजर का इस्तेमाल गलत नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक कानून बना है, दिल्ली में भी एमसीडी एक्ट में भी एक है जहां पे डिमोलिशन हो सकती है, शो कॉज नोटिस दो, डिमोलिशन आप कर सकते हो, कानून की कोई बात नहीं हो रही। और हाँ, जो अभी समझा रहे थे कि एक जो करण वर्मा जी समझा रहे थे द सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी लग जाता है, वो ओनरशिप तो आप देखोगे ना कि किसकी प्रॉपर्टी पे लग रहा है। अगर मान लीजिए कोई आपके यहाँ लॉ यूपी में जैसे कानून है कि ठीक है कोई भी अपराधी हो उसके आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, अटैचमेंट का मतलब क्या डिमोलिशन होता है? नहीं, अटैचमेंट का मतलब डिमोलिशन नहीं होता। और इसको राजनीतिक चश्मे से जो क्यों देखा जा रहा है, अभी उत्तराखंड में भी एक ऐसे ही बुलडोजर चला था जब हनुमान जयंती पे कुछ आपस में लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो जितने भी जो उस टाइम जहाँ पे जितने भी मुसलमान लोग थे उनके घरों पे बुलडोजर चला था उत्तराखंड में। तो जब ऐसी बातें होंगी कि हनुमान जयंती पे दो गुटों की अगर लड़ाई हुई है, पत्थरबाजी आमने सामने आपस में हुई है, तो किसके घरों पे आपने चलाया और किसके पे नहीं चलाया, तो इसको राजनीतिक चश्मा हम नहीं दे रहे, तो लेंस ऑफ पॉलिटिकल लेंस हम नहीं पहना रहे। ये जो वहां की रूलिंग पार्टी है बीजेपी है वो ही पहना रही है, ठीक है। जब एक चश्मा इस्तेमाल हो जाता है के शर्मा जी। और आखिरी एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ आपको मैं, अखिलेश यादव का। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ को एक अलग पार्टी ही खड़ी कर लेनी चाहिए और उस पार्टी का सिंबल ही उन्हें बना लेना चाहिए बुलडोजर, अगर उन्हें इतना विश्वास है बुलडोजर में। अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव आप लड़ जाइए, क्योंकि आप बुलडोजर के ही बूते पे अपनी राजनीति चला रहे हैं, ऐसा कहना है अखिलेश यादव को। राजनीति क्योंकि आप बुलडोजर के बूते पे कर रहे हैं तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। ये तो कह रहा हूँ कि मुझको उनके राजनीतिक दिवालियापन भरे बयान पर जो है हंसी आती है अखिलेश यादव जी के। उनको पता होना चाहिए कि योगी जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल का निशान है, और कमल के निशान के अंतर जो शासन है उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई है। हमें अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पहचान की दिक्कत नहीं है। ये कमल जो है ना देश के 36 राज्यों के अंदर अपना स्थान रखता है। हम समाजवादी पार्टी थोड़ी ना है कि एक प्रदेश की पार्टी है, हम देश की वो पेन पार्टी है, 36 राज्यों में अपनी पहचान रखते हैं। जरूरत इनको है, हमें नहीं है। हमारा कमल निशान बहुत बड़ा निशान है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता एक बात कह रही थी, मुझे उसी लो पर समझ आया। आपने बार बार गहलोत जी की राजस्थान सरकार की जो गलती है उसकी बात उठाई कि वो उनके यहाँ किराए के अंदर रहता था, उस पर उनकी जबान बंद है, उस पर कुछ नहीं बोल। नहीं नहीं नहीं, ये गहलोत जी ने नहीं किया, ये आपकी सरकार ने किया है। के शर्मा जी, भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने किया है, भजन लाल जी की सरकार ने किया है। गहलोत जी ने अपने वक्त पे किया था, अभी तो भजन लाल जी ने किया है। नहीं नहीं, गहलोत जी के समय भी जो चीजें हुई है, गहलोत जी ने अकेडमी में किया था। अब दूसरी मैं आता हूँ जो अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टीज का मामला है। अभी करण जी ने बताया कि
काफी जो लोगों का कब्जा कर रखा था उन्होंने, लोगों से जबरदस्ती छीन लिया था, तो सारा काम तो सरकार को करना है ना। ठीक है, उसमें बकायदा कार्रवाई हुई है अतीक अहमद के ऊपर, कार्रवाई होने के बाद कानून के अनुसार किया गया। यही नहीं, उसमें गरीबों को मकान बना के बांट भी दिया योगी सरकार ने। ठीक है, ये भी नहीं है पद्मा जी, फिर भी इतनी सीटें आ रही हैं, हजारों परिवारों को मकान दे दिया। आखिरी 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 दो मिनट अजीज खान जी का लेकिन उनसे कट गया था तो उनको जवाब देने का हक है। फिर भी मुझे गोरखपुर का जवाब नहीं आया है। ठीक है पद्मा जी, अभी भी मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस की प्रवक्ता दे रही है। ठीक है अजीज खान जी, बीजेपी देखिए कह रही है हमारे ऊपर तो दारोमदार है कि कानून का पालन बस करवा रहे हैं, कुछ भी गलत हो रहा है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बुलडोजर तो सिर्फ एक हथियार है, बाकी तो हम सिर्फ कानून का पालन करवा रहे हैं, जैसे अतीक अहमद के खिलाफ किया। देखिए मैडम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून का पालन करवा रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, कानून का पालन करवा रहे हैं। ठीक, खिलाड़ी बेटियां बैठी रह गई, प्रदर्शन किया, धरना, उनके आरोपी को पर कितना बुलडोजर चला दिया इन्होंने, बड़ा बुलडोजर चलाया। आईआईटी की छात्रा बीएचयू में किस तरह उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या रही, नायब सिंह के ऊपर बोल लो, देश ने देखा, नायब सिंह पे बता लो जिसका डीएनए मांग रहे थे, उनके घरों पे कितना बुलडोजर चलाया, अयोध्या के उस अपराधी के ऊपर बोल लो, आपको कड़वी लग रही ना, अयोध्या के उस अपराधी पे बोल लो जो आपके सांसद बगल में लेके बैठे हुए जिसका डीएनए टेस्ट मांग रहे हो। उदाहरण है, मेरी बात सुनिए, बहुत मतलब सारे उदाहरण है, ये टेस्ट मांगोगे जो बलात्कार जो है उसके लिए बचाव। देखिए देखिए देखिए, प्रॉब्लम यही हो जाती है, प्रॉब्लम यही हो जाती है जब आप भी एक तरीके से डिमांड करने लगते हैं कि उसने वो कुछ अलग अपराध किया है उस पर बुलडोजर चला दो। बुलडोजर इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपके ऊपर हत्या का मामला है या पहलवान बेटियों के खिलाफ अभद्रता करने का मामला है, बुलडोजर उसी वक्त चलना चाहिए जब कानून संगत तरीके से आपने उस कानून के तहत कुछ गलती की है, इसी में राजनीति शुरू होती है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम लेकर के आएगी जिससे राजनीति का इस्तेमाल कम से कम अब बुलडोजर के जरिए ना किया जा सके। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।